हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म बोट पीपल। यहाँ हम देख पाएंगे कि कैसे एक क्रूर शासक अपने ही प्रजा की जिंदगी को नरक में बदल देता है। आखिर कौन थे बोट पीपल और क्या थी उनकी कहानी, ये सारी बातें मैं कहानी के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि बोट पीपल की कहानी को समझने के लिए पहले आपको ये फिल्म देखनी होगी। तो चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हम पोस्ट वियतनाम वॉर का दृश्य देखते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये पूरी फिल्म एक जापानीज जर्नलिस्ट के नज़रिए से दिखाई गई है, जिसका नाम शियोमी अकुदगावा है। कहानी की शुरुआत साउथ वियतनाम के एक शहर दनाक से हुई, जब वियतनाम पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। शुरुआत में तो वहाँ की जनता भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उन्हें आने वाली तबाही का कोई अंदाज़ा नहीं। उसी बीच हम एक जापानीज जर्नलिस्ट शियोमी को फोटोग्राफी करते हुए देख पाते हैं। तभी उसकी नज़र भीड़ में एक लड़के पर पड़ी, जो बैसाखी के सहारे से चल रहा है। शियोमी उसकी तस्वीर निकालने लगा। वहां से हम 3 साल बाद का वक्त देखते हैं। शियोमी एक बार फिर से वियतनाम आया है, क्योंकि कम्युनिज्म को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की बातें फैलने लगी थी कि वियतनाम के लोगों की ज़िंदगी नर्क हो चुकी है। शियोमी इसी का पता लगाने आया है कि लोगों की बातें सच है या बस एक अफवाह। जब वो वियतनाम के एक स्कूल में आया तो वहाँ बच्चे राष्ट्रगान गा रहे थे, और उस राष्ट्रगान में बार बार हो ची मिन का नाम लिया जा रहा था, जो कि नॉर्थ वियतनाम का प्रेसिडेंट रह चुका है और साथ ही एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी भी था। बच्चे और टीचर काफ़ी खुश थे। ये देख शियोमी को इतना तो पता चल गया कि यहाँ सब कुछ ठीक है। उसने वहाँ की कई तस्वीरें निकाली, क्योंकि 3 साल पहले जब उसने उस अपाहिज बच्चे की तस्वीर ली थी तो उस वक्त वियतनाम के हालात काफ़ी बुरे थे। जंग ने वियतनाम को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, पर 3 साल बाद की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहाँ टीचर ने बच्चों को शियोमी से इंट्रोड्यूस करवाया, और 3 साल पहले शियोमी ने जो वियतनाम की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की तो लोगों ने उसके काम को काफ़ी सराहा। इस बार जब शियोमी दुनिया भर को ये तस्वीर दिखाएगा तो सबके मुंह पर ताले लग जाएंगे, जो कम्युनिज्म को लेकर गलत विचारधारा बनाए हुए हैं। स्कूल की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट डॉक्ट्रिन लिव्स फॉरएवर। जैसे कि हम जानते हैं, सोवियत में पहली बार कार्ल मार्क्स ने इस आइडियोलॉजी को जन्म दिया। उसके साथ एक लड़की भी है, लैन, जो कि वियतनाम की कल्चरल ब्यूरो ऑफिसर है, और वो शियोमी को शहर का दौरा करवाएगी। वहाँ उन दोनों ने स्कूल के टीचर्स के साथ बैठ खाना भी खाया। वो जिस जगह है वो न्यू इकोनॉमिक जोन था, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द्वारा चलाया हुआ एक प्रोग्राम है, जहाँ वियतनाम के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई इकोनॉमिक जोन बनाए हुए थे। रात वो लेन के साथ कार में बैठ शहर से गुजरने लगा, तभी उसकी नज़र एक इमारत पर पड़ी जिसमें आग लगी थी और वहाँ से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। शियोमी अपना कैमरा लेकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। लेन ने उसे जाने से मना किया, पर शियोमी ने कहा कि मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा यही काम है। वहाँ सड़क पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। वो उस इमारत की तस्वीर लेने लगा। उस जलती इमारत पर एक शख्स भाग रहा है और एक पुलिस वाला उसे पकड़ने की कोशिश में लगा है। नज़ारा काफ़ी अजीब था, पर शियोमी को कुछ समझ नहीं आया। उसी वक्त इमारत की दीवार टूटी और वो शख्स और पुलिस वाला दोनों नीचे आ गिरे। दोनों जख्मी हो गए। शियोमी उनकी तस्वीर निकालने लगा, तभी वहाँ खड़ा एक पुलिस वाला आकर शियोमी को मारने लगा। लात घूसों से उसे काफ़ी मारा। लेन ने आकर उसे रोक दिया और बताया कि ये एक विदेशी रिपोर्टर है और उसके पास कल्चरल ब्यूरो की परमिशन भी है। उसके बाद उन पुलिस वालों ने उस घायल शख्स को लातों से काफ़ी मारा। जब शियोमी ने फिर उसकी फ़ोटो लेनी चाही तो लेन ने उसे रोक दिया। वो शख्स मरने की हालत में था। यहाँ हमें पता चला कि वो शख्स कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में बातें किया करता था। शियोमी काफ़ी बातें समझ नहीं पाया, पर यहाँ कुछ तो गलत है। लेन उसे वहाँ से ले जाने लगी और पुलिस के इस बर्ताव के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। लेन ने कहा, बस इन पिक्चर्स को पब्लिश मत करना, क्योंकि इससे कम्युनिस्ट सरकार पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शियोमी के लिए ये मार कोई नई नहीं थी। पत्रकारिता के जगत में वो कई बार मार खा चुका है, क्योंकि सच दिखाने के लिए
कई बार उसे अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लगानी पड़ती है। उसके बाद वो अपने होटल रूम आ गया। उसके बाद लेन उसे कल्चरल ब्यूरो के दो ऑफिसर से मिलवाने ले आई, ऑफिसर नगुयेन और कॉमरेड वू। ऑफिसर नगुयेन दोनों का सीनियर ऑफिसर है। वहाँ उसने शियोमी की काफ़ी खातिरदारी की और कल हुए पुलिस द्वारा मारपीट के लिए भी उससे माफ़ी मांगी। वहाँ कॉमरेड वू ने कहा कि तुम्हें जो भी तस्वीर निकालना है निकाल सकते हो, पर कुछ भी गलत दिखे तो पहले हमें इन्फॉर्म करना, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे, क्योंकि एक अच्छी दोस्ती का यही मतलब होता है। दूसरे दिन वो कॉमरेड लेन के साथ उसी जोन के एक अनाथालय में पहुंचा। वहीं एक छोटी बच्ची शियोमी के पास आई और खुद को गोद में लेने को कहा। उसने बिना वक्त गवाए उस बच्ची को उठा लिया। उसके बाद सभी बच्चे उसके पास भागकर आ गए। सभी गोद में उठाने के लिए गुहार लगाने लगे। लेन वहाँ की केयरटेकर को एक रूम में ले जाकर उस पर चिल्लाने लगी कि बच्चों का ये बर्ताव उसे पसंद नहीं आया, शायद यहाँ वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। केयरटेकर ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि यहाँ उसके अलावा कोई स्टाफ नहीं। वो बच्चे अभी भी शियोमी से लिपटे हुए थे। आज यहाँ इस अनाथालय में शियोमी को एक अलग ही तस्वीर देखने मिली। क्या सरकार बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती? तमाम सवाल उसके मन में उठने लगे। दूसरे दिन नगुयेन शियोमी के साथ बीच पर टहल रहा था। वहाँ सारा बीच खाली था। उसने बताया कि एक वक्त था जब यहाँ स्ट्रीट वेंडर अपने सी फूड की स्टॉल लगाया करते थे, पर सालों पहले सभी भागकर थाईलैंड या मलेशिया चले गए। शियोमी ने भी ये न्यूज़ सुनी थी, पर उसे यकीन नहीं हुआ उन बातों पर। शायद से ये भागने वाले वही लोग होंगे जो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए। वहाँ दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। नगुयेन ने बताया उसने अपनी आधी ज़िंदगी क्रांति लाने में गंवा दी और जंग के बाद वो ज़िंदगी से काफ़ी निराश हो चुका है। दूसरे दिन जब वो शहर से गुजर रहा था तो उसने देखा एक परिवार को जबरन न्यू इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। वो महिला रो रही थी। उसके परिवार के साथ उसके घर का सामान भी ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। ये देख शियोमी खुद से सवाल करने लगा कि उसने तो इकोनॉमिक जोन के बच्चों को काफ़ी खुश देखा था, तो फिर लोग वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते। वहाँ बैठे कुछ लोगों से उसने पूछने की कोशिश की आखिर क्यों वो उन्हें इस तरह जबरन ले गए, पर वहाँ का कोई शख्स कुछ बताने को तैयार नहीं। शायद वो मुंह खोलने से डर रहे थे। वहाँ कुछ लोग बाहर बैठ खाना खरीद कर खा रहे थे और वहीं दो भूखे बच्चे खड़े होकर उन खाने वाले को देख रहे थे। तभी वहाँ बहस के दौरान नूडल्स ज़मीन पर गिर गया और वहीं खड़े दोनों लड़के ज़मीन से उस नूडल को उठाने लगे। वहाँ एक लड़की भी आकर उसे उठाने लगी। यहाँ हमें सारी बातें समझ आने लगती है कि इसी शहर में दो तरह के लोग हैं। शियोमी उस लड़की की तस्वीर लेने लगा। उस लड़की का नाम कैम है। उसने शियोमी के तरफ उंगली दिखाकर उसका मजाक बनाया। शियोमी उसके पीछे जाने लगा। उस लड़की ने घर जाकर उस नूडल को धोकर अपने छोटे भाई को खिलाया। यहाँ हमें पता चलता है कि कैम अपनी माँ के साथ इसी घर में रहती है। उसके दो छोटे भाई भी हैं, छोटा भाई लैंग और बड़ा भाई नैक। पिता पहले ही जंग में गुजर गए, अब उनके पास घर खर्च तक चलाने के पैसे नहीं। तभी वहाँ शियोमी आकर उनकी तस्वीर निकालने लगा और समझाया कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, वो एक रिपोर्टर है। कैम उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। उसकी माँ घर में सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो बाहर आई। शियोमी को वहाँ देख वो कुछ समझ नहीं पाई। शियोमी ने अपनी पहचान बताई। वो बस यहाँ देखना चाहता है कि वो लोग अपना जीवन यहाँ कैसे बिता रहे हैं। वो काफ़ी डर रहे थे कि अगर गवर्नमेंट को इसकी खबर लगी तो वो उन्हें मार देंगे, इसलिए वो अपनी तस्वीर नहीं निकलवाना चाहते। वहाँ कैम का भाई नैक आ गया। वो काफ़ी समझदार मालूम पड़ता है। उसे अमेरिकन स्लैंग भी आती है क्योंकि उसका जन्म वियतनाम वॉर के दौरान ही हुआ था और अमेरिकन आर्मी के साथ काफ़ी वक्त बिताया था। उसने शियोमी से कहा यहाँ तो नहीं, पर तुम चाहो तो हमारी तस्वीर सड़क पर ले लो ताकि सरकार को पता न चले कि हमने जानबूझकर अपनी तस्वीर निकलवाई है। नैक का सुझाव शियोमी को काफ़ी पसंद आया। बदले में वो उन्हें कुछ पैसे भी दे देगा। उसके बाद शियोमी वहाँ से चला गया। शायद वो कल सड़क पर उनकी तस्वीर निकालने आएगा। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं, पानी में नमक घोलकर पीने की नौबत आ गई थी। आज शहर का दौरा करने के लिए वो लेन के पास आया।
पर लेन ने बताया कि वो शियोमी के साथ अब काम नहीं कर सकती क्योंकि ये नगुयेन का ऑर्डर है, इसलिए अब से शियोमी को अकेले ही काम करना होगा। उसी रात कैम की माँ बाहर गई थी, काफ़ी रात हो गई, वो वापस नहीं लौटी। कैम को चिंता होने लगती क्योंकि हर रात वो इसी तरह बिना बताए न जाने कहाँ चली जाती है। शायद घर पर पैसों की तंगी उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। रात उसकी माँ घर पर आ गई, सभी सो गए थे, उन्हें देख वो काफ़ी भावुक हो गई। दूसरे दिन सड़क के पास उसे कैम मिली, जैसा कि उसने मिलने को कहा था। उसके बाद वो सब्जी मार्केट चले गए। कैम ने बताया उसकी माँ बीमार होने से पहले यही स्टॉल लगाया करती थी। कैम का भी सपना है कि वो एक दिन कुछ पैसे जमा करके यही अपना स्टॉल लगाएगी। वहाँ कैम ने घर के लिए शुगर कैन लिया, जिसके पैसे शियोमी ने दिए। जब वो वहाँ से जाने लगे तो वहाँ काफ़ी सोल्जर्स गाड़ी में आ गए और सारे व्यापारियों को मारने लगे, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। सारी सब्जियाँ सड़क पर फेंक दी गई। उसके बाद उन सबको ट्रक में भर दिया गया। शायद से वो उन्हें न्यू इकोनॉमिक जोन में ले जा रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट करने। शियोमी इन सभी चीज़ों की छिप कर तस्वीर लेने लगा। उसके बाद दोनों एक नदी के पास आ गए जो कि आधी सूख चुकी है। यहाँ कैम ने उससे एक सवाल किया कि वो सिर्फ इंसानों की तस्वीर ही क्यों निकालता है, जबकि इंसान से बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। वो इन पेड़ पौधों और इस विशाल आसमान की तस्वीर क्यों नहीं निकालता। उसकी बातें सुन शियोमी काफ़ी शांत हो गया। उसके बाद कैम वही बोट पर फ्रेश होने चली गई और यहाँ शियोमी बादलों की तस्वीर निकालने लगा। उसके बाद दोनों एक साथ बैठ नूडल्स खा रहे थे, तभी वहाँ उसका भाई नैक आ गया। शियोमी ने उसके लिए भी नूडल मंगवाया और घर के लिए पार्सल भी दे दिया ताकि उसका छोटा भाई और उसकी माँ भी खा सके। वो जब उन्हें गली में छोड़कर जाने लगा तो वहाँ गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही दोनों भाई बहन खुशी से गली की दूसरी तरफ भागे। नायक ने कहा, क्या तुम भी चिकन फार्म आ रहे हो? शियोमी कुछ समझ नहीं पाया, वो भी भागता हुआ उनके पीछे गया। जब उसने वहाँ का नज़ारा देखा तो काफ़ी दंग रह गया। वहाँ 3 लाशें गिरी हुई थी। वहाँ सरकारी आदेश पर लोगों को ले जाकर एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। उससे भी ज़्यादा अजीब था कि कैम और नैक लाशों की जेब की तलाशी ले रहे थे कि कहीं उन्हें इनकी जेब से कोई कीमती चीज़ न मिल जाए, जैसे कि सोना या पैसे। यहाँ तक कि लाश के मुंह खोलकर भी उनके दांत चेक किए जाते कि कहीं वो भी सोने के तो नहीं। तभी वहाँ एक और शख्स आ गया जो कि यही रहा करता था। उसका नाम मिन है। वो न्यू इकोनॉमिक जोन में काम करता था, पर उसने बताया कि उसके पैर में चोट लग गई, जिस वजह से उन्होंने उसे छुट्टियों पर भेज दिया। वहाँ नायक ने उसे बताया कि ये एक जापनीज रिपोर्टर है, इसके पास जो कैमरा है मार्केट में इसकी कीमत $1,000 होगी, पर मिन ने कहा मैं इसके 1500 दिलवा दूंगा। यहाँ पता चलता है मिन एक चोर भी है। यहाँ नायक लाशों पर पैर रख के अपनी तस्वीर खिंचवाने लगा। शियोमी ये सब देख दंग हो गया कि यहाँ जो कुछ भी हुआ इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ये कोई आम बात हो। वहीं शहर में एक महिला बार चलाती है जहाँ नगुयेन अक्सर शराब पीने जाता है। वहाँ आज उसने शियोमी को भी बुलाया है। यहाँ तक कि नगुयेन उस महिला के साथ सोता भी है। वहाँ उसने शियोमी से काफ़ी बातें बताई कि वो इस महिला को तब से जानता है जब ये 12 साल की थी, जो कि एक चाइनीज़ है। उस महिला का नाम कोरा है। जब शियोमी मीट खाने गया तो उस टुकड़े को देख उसे उल्टी आने लगी, क्योंकि आज ही वो लाशें देखकर आ रहा है। उन्हीं लोगों के चेहरे उसके सामने बार बार आ जा रहे थे। वो वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर निकला तो उसने कॉरिडोर में मिन को देखा और कोरा उसके पैर की पट्टी ठीक कर रही थी। शियोमी कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि आज तो उसने मिन को सुबह चिकन फार्म में देखा था और अभी वो कोरा के साथ। वो वापस नगुयेन के पास चला गया। आज उसने सुबह की घटना का जिक्र उससे किया कि मैंने 2 बच्चों को चिकन फार्म में लाशें उठाते हुए देखा, लेकिन नगुयेन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ ऐसा लगता है कि उसे सारी व्यवस्था की खबर होकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो बस इस खेल का मामूली सा एक प्यादा है। दूसरे दिन कैम और शियोमी साथ में थे। शियोमी ने उससे कहा कि तुम और तुम्हारा भाई उस चिकन फार्म पर दोबारा मत जाना, तुम्हें खर्च के पैसे मैं दे दूँगा।
और मेरी खींची हुई फ़ोटो से जब कुछ पैसे आ जाएंगे तो तुम उससे अपने एक स्टॉल भी खोल लेना। यहाँ पता चलता है कि चिकन फार्म पर वो बूढ़ा शख्स उन्हें लाशें उठाने के पैसे देता था। वहाँ से वो शियोमी को लेकर अपने भाई नैक से मिलने चली गई, जो बाकी बच्चों के साथ मिलकर कचरा उठा रहा था। शियोमी उसकी तस्वीर निकालने लगा। वहाँ कचरे में उसे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब मिला। नैक समझ नहीं पाया और उसकी पिन निकाल दी। जब तक शियोमी और कैम कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। बॉम्ब फट गया और नैक का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। रात वो अपने भाई की खून से सनी हुई चप्पल लेकर घर लौटी। चेहरे पर कोई भाव नहीं और अपनी माँ से सारी घटना का जिक्र करते ही वो रोने लगी। यहाँ हम देखते हैं कोरा कॉमरेड वू के साथ भी सोती है, पर इस बात का पता नगुयेन को नहीं है। वू दिमाग से थोड़ा पैदल है और इसी बहाने कोरा को कुछ पैसे भी मिल जाते थे। उसे अच्छा नहीं लगता कोरा को नगुयेन के साथ देखना, पर कोरा बचपन से लेकर जवानी तक इतने लोगों के साथ सो चुकी है कि उसे आसानी से पता चल जाता है कि किसके दिल में उसके लिए प्यार है और किसके नहीं। वो छिप कर नीचे आई, उसे मिन मिला। कोरा ने उसे $2,000 दिए जो उसने छिपा कर रखे थे। यहाँ पता चला कि दोनों प्रेमी हैं और ये पैसे वो मिन को वियतनाम से भागने के लिए दे रही है, पर ये पैसे बहुत कम है। उस जोन में मिन का एक दोस्त भी है जिसे वो छोड़कर नहीं जा सकता। कोरा ने बताया कि वो जल्द ही और पैसों का इंतज़ाम कर लेगी। मिन ने कहा कल ही उसे न्यू इकोनॉमिक जोन वापस लौटना होगा, क्योंकि अगर उसे देर हुई तो वहाँ का कैप्टन उसे लैंड माइन निकालने के काम पर लगा देगा। यहाँ शियोमी दोनों भाई बहन को लेकर बाहर आया था, पर यहाँ कैम अब भी अपने भाई नैक को नहीं भूल पा रही। यहाँ शियोमी ने उसे बताया कि मैंने नए स्टॉल के बारे में सोच लिया है और जल्द ही पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ उसने कैम से जिक्र किया कि तुम अपने परिवार के साथ न्यू इकोनॉमिक जोन में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती, पर इकोनॉमिक जोन का नाम सुनते ही कैम गुस्से में आ गई कि वो जगह उसके परिवार के लिए नहीं है। शियोमी ने काफ़ी कोशिश की उसे समझाने की, क्योंकि उसने वहाँ के बच्चों को देखा है, वो काफ़ी खुश थे। अब वो अपने छोटे भाई को चिकन फार्म साथ ले जा रही है, पर शियोमी ने उसे रोका क्योंकि लैंग अभी बहुत छोटा है। लेकिन कैम ने बताया वो पहले भी जा चुका है और उसे अब लाशों को देख डर नहीं लगता। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तभी वहाँ मिन ने आकर शियोमी के सर पर जोर से मारा और उसका कैमरा लेकर वहाँ से भागने लगा, पर वो भाग नहीं पाया। शियोमी उसके पैर की चोट को दबाने लगा और वहाँ कुछ सोल्जर्स ने आकर दोनों को पकड़ लिया और एक कंटेनर में ले जाकर बंद कर दिया। वहाँ शियोमी ने उससे न्यू इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछा जहाँ वो रहा करता है। मिन ने उससे सवाल किया कि तुम कौन से इकोनॉमिक जोन में गए थे। शियोमी ने बताया नंबर 16। ये सुनते ही मिन हंसने लगा कि वो एक मॉड्यूल जोन है जो यहाँ की गवर्नमेंट बाहर से आने वाले हर एक विदेशी को दिखाती है कि यहाँ सब अच्छा चल रहा है। उस जोन में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, इसलिए वो बच्चे भी खुश और हेल्दी लगते हैं। मिन जोन नंबर 15 से है जो कि पहाड़ों के पीछे बसा हुआ है। जब शियोमी ने पूछा वहाँ काम क्या होता है तो मिन ने बताया अगर तुम लकी हुए तो फार्म का काम मिलता है और तुम्हारी किस्मत ख़राब हुई तो लैंड माइंस निकालने के काम पर लगा दिया जाता है जिसमें तुम्हारी मौत निश्चित है। ये सारी बातें सुन शियोमी शॉक्ड हो गया, यानी कि जो भी उसने अब तक देखा वो सब एक नाटक था। वियतनाम वॉर में मिन US आर्मी के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर इकोनॉमिक जोन भेज दिया। उसने कोरा द्वारा दिए हुए पैसे शियोमी को दे दिए और कहा कि इसे कोरा को ले जाकर दे देना क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जोन में पहुंचते ही उसे लैंड माइंस के काम पर लगा दिया जाएगा और वहीं उसकी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ शियोमी को पता चला कि मिन दिल का अच्छा इंसान है। उसने कैमरा चोरी करने की कोशिश की ताकि वो वियतनाम से निकल सके। तभी दो ऑफिसर आकर शियोमी को वहाँ से लेकर गए। नगुयेन वहाँ उसे लेने आया था। उसने नगुयेन से कहा कि उस शख्स को भी छोड़ दिया जाए क्योंकि वो उस शख्स को जानता है। नगुयेन ने कहा वो ज़रूर बात करेगा और शियोमी को अपनी गाड़ी से लेकर चला गया। रास्ते में उसे कैम अपने भाई के साथ जाते दिख गई।
शियोमी गाड़ी रुकवा कर वहीं उतर गया। नगुयेन ने उस लड़की के बारे में लेन से पूछा। लेन ने बताया उस लड़की का नाम कैम है और वो 14 साल की है। इस हफ्ते शियोमी उसके साथ ही था। उसका भाई कुछ दिनों पहले एक्सप्लोजन में मारा गया। लेन को इसकी भी खबर थी। यहाँ लेन ने एक और बात बताई कि कैम की माँ एक प्रोस्टिट्यूट है। यहाँ हमें एक नई बात पता चलती है और ये भी पता चल जाता है कि हर रात कैम की माँ बिना बताए कहाँ जाती है। दूसरे दिन वो बार में कोरा से मिलने गया। वहाँ उसने बताया कि मिन को फिर से इकोनॉमिक जोन में भेजा जा रहा है। यहाँ शियोमी ने उससे जोन नंबर 15 देखने की इच्छा जताई। उसे बस जोन में जाने का पास चाहिए और वो पास सिर्फ नगुयेन ही दे पाएगा। कोरा ने कहा वो पास तो दे देगी पर उसे भी एक काम करना होगा। उसे वो पैसे ले जाकर मिन को देना होगा और थोड़े पैसे वो अपने पास से देगी जिससे वो अपने दोस्त को लेकर निकल पाएगा। शियोमी उसकी बात मान गया। यहाँ हमें पता चला कि मिन उसे वियतनाम वॉर के वक्त से जानता है जब वो अमेरिकन्स को शराब पिलाने यहाँ ले आया करता था। मिन का सपना है कि वो न्यू ऑर्लिंस में जाकर एक बार खोले और कोरा उस बार में काम करे जब तक कि उसकी उम्र 70 की ना हो जाए। उसके बाद शियोमी वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन हम देखते हैं पास का इंतज़ाम हो गया और वो मिन के साथ जाने के लिए तैयार है। जाने से पहले उसने अपना कैमरा और बैग कैम को रखने के लिए दे दिया क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाने की परमिशन उसे नहीं थी। उसने देखा मिन की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उन्होंने रात उसे काफ़ी मारा था। किसी तरह वो शाम जोन में पहुँच गया। जोरों की बारिश हो रही थी। वहाँ उसका दोस्त पॉल आ गया और दोनों उसे उठाकर एक झोपड़ी में ले गए। वहाँ डॉक्टर से उन्होंने उसका इलाज करवाया। उस जोन के कैप्टन ने अपने सोल्जर से शियोमी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वो कौन है। उस सोल्जर ने कैप्टन को शियोमी की सारी जानकारी दी और बताया कि यहाँ का पास उसे कल्चरल ब्यूरो से मिला है। कैप्टन ने शियोमी से कहा कि उसे कल्चरल ब्यूरो ने ज़रूर भेजा होगा पर यहाँ के सारे फैसले वो खुद करता है। उसने तुरंत ही शियोमी को यहाँ से निकल जाने को कहा। शियोमी ने भी बिना डरे उसे जवाब दिया कि वो जो भी यहाँ देखने आया था देख चुका। उसके बाद शियोमी ने कोरा द्वारा भेजे हुए पैसे उसे दे दिए और बताया कि इसमें उसके दोस्त तान के लिए भी पैसा है। दोनों इन पैसों से आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। उसके बाद एक सोल्जर ने लाकर शियोमी को जोन नंबर 16 में छोड़ दिया। वहाँ से गुजरते वक्त उसने सोचा एक बार स्कूल को देखता हुआ चले। जब उसने घर में नज़र डाली तो सारे बच्चे बिना कपड़ों के ज़मीन पर सो रहे थे। शायद उन्हें खाना भी नहीं दिया गया। ये देख उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई। शायद दिन भर बच्चों से फार्म में काम करवाया जाता था और जब वो टीचर के रूम में गया तो वहाँ वो दोनों खुशी से नाच रहे हैं। ये देख शियोमी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। टीचर उसे देख काफ़ी दंग हो गया। उसने कहा मैं अभी बच्चों को उठा देता हूँ। शियोमी ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसका नाटक देख रहा था कि ये मदारी का खेल और कब तक चलेगा। शियोमी वहाँ से चला गया। उसके बाद वो आकर कैम्प से मिला। आज शियोमी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, एक घुटन सी होने लगी। पत्रकारिता के जगत में पहली बार किसी घटना ने उसे इस कदर झकझोर दिया था। जब वो अपने होटल जाने लगा तो कैम भी उसके साथ चली गई क्योंकि आज से पहले उसने भीतर से किसी होटल को नहीं देखा। वहाँ उसने कैम को कुछ पैसे दिए और अपना स्टॉल शुरू करने को कहा क्योंकि उसे दोबारा से उस चिकन फार्म जाने की ज़रूरत नहीं। पर कैम ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि ये पैसे देकर शियोमी उसके साथ सोना चाहता है, जिस पर शियोमी काफ़ी गुस्सा हुआ। उसने कहा अगर 18 साल में उसकी शादी हुई होती तो कैम के उम्र की आज उसकी एक बेटी होती। कैम के बारे में वो ऐसे विचार कभी अपने मन में ला भी नहीं सकता। रात उसने बार में आकर खूब शराब पिया। गुस्से में उसने ग्लास भी पटक दी। आज कैम की बातों ने उसे अंदर से पूरी तरह हिला दिया था। दूसरे दिन हम जोन का दृश्य देखते हैं जहां मिन काम करता है। वहीं काम करने वाले एक शख्स को उसने पैसे ले जाकर दिए। ये शख्स लोगों को यहाँ से निकलने में मदद करता है। मिन ने उससे अपने दोस्त तान की भी बात कर ली, पर तान माइन फील्ड में काम करता है इसलिए उस शख्स ने बताया अगर काम करते वक्त उसके दोस्त की जान चली गई तो उसके पैसे वापस नहीं होंगे। उसने बताया
कि 3 दिन बाद एक बोट यहाँ से निकलेगी, मिन और उसके दोस्त का इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि माइन फील्ड से 3 मरे हुए लोगों को ले आया गया। अब वहाँ 3 लोगों की और भर्ती करनी थी। कैप्टन ने इस काम के लिए जानबूझकर मिन को चुना। जैसा कि हम जानते हैं, उसे यहाँ आने में देर हो गई थी। अब उसी सेम माइन फील्ड में मिन और उसका दोस्त तान काम करने लगे। वहाँ हर दिन कई लोग माइन एक्सप्लोजन में मारे जाते। मिन ने सोच लिया था किसी तरह ये 3 दिन निकल जाए, उसके बाद दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं तेज बारिश में शियोमी कैम की तस्वीर निकाल रहा है। वहाँ ब्यूरो ऑफिसर लेन आ गई। उसने बताया कि शियोमी का वीज़ा 3 दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, पर शियोमी ने कहा वीज़ा एक्सटेंड करवाने की ज़रूरत नहीं, वो 3 दिनों बाद वियतनाम छोड़कर चला जाएगा। पर यहाँ लेन और वू को चिंता थी कि उसके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स का क्या होगा। उसके जाने की खबर सुनते ही कैम काफ़ी भावुक हो गई। उसके बाद शियोमी ने अपने कैमरा से कैम के साथ एक तस्वीर निकाली ताकि यहाँ बिताया हुआ हर एक पल उसके साथ रहे। हम देखते हैं 2 दिनों का वक्त बीत चुका है, बस कल दोनों दोस्त वियतनाम से निकल जाएंगे। पर होनी को ये मंजूर नहीं था। माइन लैंड में काम करते वक्त माइन फट गया और मिन के दोस्त की मौत हो गई। उसकी मजबूरी इतनी थी कि वो अपने दोस्त की लाश को उठा तक नहीं पाया। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगे। दूसरी रात वो निकलने को तैयार था, पर वो अपने दोस्त की मौत को भुला नहीं पा रहा। उस ऑफिसर ने उसे कहा, बोट के कैप्टन को मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें बिठा लेगा। मिन भागकर किसी तरह उस बोट में चढ़ गया, पर आगे जाकर दूसरी बोट पर सोल्जर्स आ गए और उन्होंने अंधाधुंध बोट में बैठे लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थीं। और कुछ ही मिनट में बोट लाशों से भर गई और उन सबके साथ मिन भी मारा गया। उसकी आंखें अब भी खुली थी, मानो जैसे यहाँ से निकलने का सपना अब भी उसकी आंखों में ज़िंदा है। दूसरे दिन शियोमी एक रेस्टोरेंट में कैम और उसके भाई को खाना खिलाने ले गया। खाना खाने के बाद वो दोनों को घर छोड़ने गया। वहाँ उन्होंने देखा उसकी माँ को पुलिस पकड़कर ले जा रही है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। शायद से ये खबर उन्हें कल्चरल ब्यूरो ने ही दी होगी। वहाँ आस पड़ोस के लोग उसे नफरत की नज़र से देखने लगे, पर उसकी माँ ये काम शौक से नहीं करती थी। उसे मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये काम करना पड़ा। शर्मिंदा होकर उसकी माँ ने वहीं पड़े हुए धारदार लोहे से अपनी गर्दन चीर ली, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। कैम ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। शियोमी को काफ़ी दुख हुआ कि इस तरह तो एक एक कर उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। शियोमी को यहाँ से निकलने में 1 दिन और बचे हैं। उसने सोच लिया था वो दोनों के लिए कुछ तो ज़रूर करके जाएगा। ऑफिसर महिला ने कहा कि कल से दोनों को न्यू इकोनॉमिक जोन में रहना होगा, क्योंकि दोनों ही माइनर हैं। पर शियोमी उन्हें इकोनॉमिक जोन नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि उसे वहाँ की काली सच्चाई पता थी। वो कोरा से मिलने बार में गया। उसने कोरा से मदद मांगी। कोरा ने बताया, एक बोट कैप्टन से मेरी पहचान है, पर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। शियोमी ने उसे अपना कैमरा बेच दिया। उसने कुछ कैश भी कोरा से मांगा। यहाँ नगुयेन शराब के नशे में धुत था। उसे आज इकोनॉमिक जोन में कैप्टन बनाकर भेजा जा रहा है, पर वो खुश नहीं। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसने शियोमी की काफ़ी मदद की थी और वो कल्चरल ब्यूरो चलाने लायक नहीं। वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर नगुयेन को साथ ले जाने लगे। उसने शियोमी को गले लगाया और वहाँ से चला गया। दूसरी शाम वो कैम के घर आ गया। वो अपने साथ 1 गैलन डीजल भी ले आया था, जो कि बोट वालों को ज़रूरत पड़ती है। कैम अपने भाई के साथ तैयार थी, बस वो रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये शियोमी के साथ उनकी आखिरी रात थी। रात होते ही तीनों नदी की तरफ जाने लगे। जाते वक्त 2 पुलिस वालों ने उसे देख लिया। शियोमी ने दोनों को बोट की तरफ भेज दिया, तब तक वो उन्हें उलझा कर रखेगा। कैम अपने भाई को लेकर बोट की तरफ भागी। यहाँ शियोमी उन पुलिस वालों के सामने नशे में होने का नाटक करने लगा। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद वो गैलन लेकर बोट की तरफ भागा, पर उन्होंने उसे देख लिया। पर तब तक कैम अपने भाई के साथ बोट में बैठ गई थी।
और बोट छूट गई। उस पुलिस वाले ने गोली चलाई और गैलन फटने से शियोमी के पूरे शरीर में आग लग गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और वहीं डेक पर जलकर उसकी मौत हो गई। उसे इस तरह तड़पता देख कैम की आंखें भीग गई। सुबह हम उसी बोट में कैम और लैंग को सफ़र करते हुए देखते हैं और कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, 30 अप्रैल 1975 के दिन नॉर्थ वियतनाम के सैगॉन पर कब्जा कर लिया, जो कि साउथ वियतनाम की राजधानी है, जिस इवेंट को हम फॉल ऑफ सैगॉन के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ वियतनाम वॉर का भी अंत हो गया। वियतनाम वॉर में नॉर्थ वियतनाम को जीत मिली और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। उसके साथ ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस अपने देश बुला लिया। उसके बाद वियतनाम राष्ट्र में कम्युनिज्म का उदय हुआ और 2 जुलाई 1976 के दिन वियतनाम पूरी तरह कम्युनिस्ट रूल के अंडर चला गया। तो चलिए हम बोट पीपल के कुछ डरावने और अनकहे तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। फॉल ऑफ सैगॉन के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के डर से काफ़ी साउथ वियतनामीज अपना देश छोड़कर भाग गए, जबकि कुछ पैदल यात्रा करके थाईलैंड चले गए और कुछ रेफ्यूजीज बोट में बैठकर आसपास के देशों में निकल गए, जैसे हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। पर समुद्री यात्रा करना काफ़ी जोखिम भरा साबित हुआ। समुद्री यात्रा के दौरान लोगों को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरों द्वारा लूटपाट भी काफ़ी हुई। समुद्री तूफान और ख़राब मौसम में सफ़र काफ़ी खतरनाक था। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन के एक रिपोर्ट के अनुसार भागने वाले रेफ्यूजीज में से अप्रॉक्सीमेटली एक तिहाई हिस्सा सफ़र के दौरान ही मारा गया, यानी कि 10 में से सिर्फ एक ही इंसान भागने में कामयाब हो पाया। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा अपने ही परिवार को भूख और प्यास से तड़प कर मरते हुए देखना। उस मंजर को सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने ये सफ़र किया होगा वो इस घटना को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए होंगे। इस घटना के बाद से दुनिया भर में वियतनाम रेफ्यूजीज़ को बोट पीपल के नाम से जाना जाने लगा। 1975 और 1995 के बीच वियतनाम छोड़ने और दूसरे देश में सुरक्षित रूप से पहुंचने वाले नाव यात्रियों की संख्या लगभग 8 लाख थी। यूनाइटेड नेशन के एक डेटा के अनुसार समुद्र में लगभग 2 लाख से 4 लाख नाव सवारों की मौत हो गई थी। उसमें से कई बोट पीपल भागकर चाइना चले गए थे। 1979 से 1980 के दौरान कनाडा ने 60,000 वियतनामी रेफ्यूजीज़ को अपने देश में शरण ली। वहाँ कई रेफ्यूजीज़ को वहाँ रहने वाले इंडिविजुअल ग्रुप्स ने स्पॉन्सर्ड किया, जैसे कि वहाँ के टेंपल और चर्च। कई लोग वियतनाम युद्ध को अमेरिकी इतिहास के सबसे भयावह युद्धों में से एक के रूप में याद करते हैं, और जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, यह वियतनाम के लिए एक कष्टदायक अध्याय रहा है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।